Assalamualaikum and hey friends, welcome back to my channel. कैसे सब? विद अच्छे होंगे. बेबी आर्यन इज क्राइंग क्योंकि इसको भी हेलो करना है. आजा. तो सुबह सुबह उठ के ही हमने बनाए हैं काफी शामी कबाब. आज सोचा है मैंने बहुत सारे शामी कबाब बनाऊं क्योंकि इवनिंग स्नैक्स में क्या खाया जाए समझ नहीं आता. तो मैंने सोचा कि काफ़ी शामी कबाब बना के रख देती हूँ, बहुत अच्छा होगा आइडिया. तो अभी जो है मैंने नींद से उठ के ही आर्यन को था है आर्यन की तरफ पापा के पास आया. पापा पापा आ गया. तो हेलो इमान आओ. हेलो आर्यन. तो अभी जो है ना शामी कबाब मैंने ऑलरेडी चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं और मैंने क्योंकि सोचा काम कर लूँ पहले, फिर आप लोगों को सारे रेसिपी के साथ सब कुछ दे दूंगी. तो अभी आप जाके वो वाली वीडियो देखें. अभी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ गरम मसाले ले लिए हैं, ये पूरे पूरे डालूंगी. और 2 किलो चने की दाल जो है ना वो ली है. तो चने की दाल को सबसे पहले हम ना अच्छे से धो लेंगे और फिर बड़े पतील में डाल देंगे. और चिकन ब्रेस्ट जो है वो भी 2 किलो तक की होगी, तो वो फ्रोजन थी तो मैंने एज इट इज ही डाल दी. अभी कुछ मसाले जो है ना और डाल रही हूँ यहाँ पे क्योंकि चिकन और दाल बहुत ज्यादा था तो मसाले भी कुछ ज्यादा ही डाल दिए. अभी अदरक लहसन डाल दिया और इसमें प्याज डाल दिया. अदरक लहसन और भी एक्स्ट्रा बाद में डाले थे क्योंकि अभी नहीं थे, ऑर्डर करना है ऑनलाइन. चलो अभी ना काफी ड्राई हो चुका है, 1.5 घंटा पूरा पक रहा था ढक्कन के साथ. तो अभी जैसे ही दाल गलने लगी और चिकन तो गल ही गया तो मैंने इसका क्या किया, ढक्कन जो है ना हटा दिया, वो साइड में पड़ा है. और अभी जो है ये वाला पानी ये पूरा ड्राई कर रहा है तो इसलिए इसे चूल्हे में ही पड़ा रहेगा, पकता रहेगा. इसमें कुछ मिर्ची विर्ची भी डाल दी थी मैंने, बाकी कुछ मसाले हम बाद में डालेंगे. रेडी होके आपसे मिलती हूँ. और ये जो है ना देखो पानी है इसमें, तो इसको वेट करना पड़ेगा. एंड सारे घर में बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह. तो चलो गाइस अभी देखते हैं हमारी आइसक्रीम हुई कि नहीं. और ये रही हमारी आइसक्रीम, चलो इसको खोल के देखते हैं. तो फ्रेंड्स ये रही हमारी क्यूट सी आइसक्रीम, चलो इसको देखते हैं हुई कि नहीं हुई. आई एम सुपर एक्साइटेड. थोड़ा सा पानी लेके आई हूँ, पानी में थोड़ा 2 सेकेंड तो मेरे लिए 2 सेकेंड तक रखें ताकि अच्छे से निकल आए बाहर, नहीं तो क्या होता है डंडी जो है ना वो बाहर निकल आती है. अभी हो गया शायद, साइड जाओ अच्छे से निकलना. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यार. ये क्या हो गया निकल ही नहीं रही, ऐसे निकला है. अभी क्या करूं, ये तो बड़ा सीन हो गया, गलत सीन. और इसके गंदे तरीके से निकला है ना, इतनी मेहनत से बनाई हुई आइसक्रीम. आइसक्रीम तो अच्छी बनी है लेकिन मज़ेदार फेल हो गया. इसको जुगाड़ी काम करके मैंने इसके इस ढक्कन में लेके ही आ गई हूँ. अभी खाते हैं आइसक्रीम. अभी ऐसे में मजा है. इसको ना सबको करते हैं मिक्स और बहुत ज्यादा अमाउंट था तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और इसमें कुछ पाउडर मसाले डाल दिए. स्पेशली डाला है ज्यादा गरम मसाला और नमक, हरी मिर्च एंड ग्रीन चिली, हरी मिर्च एंड धनिया. तो अभी जो है ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक एक अंडा भी डाल दिया दोनों साइड में बीट करके. तो अच्छे से इसको मिक्सिंग करना है और हाथ काफ़ी जल गए थे क्योंकि मिर्ची इतनी स्पाइसी थी, लेकिन दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है. बस खाने में भी टेस्टी ही हो उतना जितना दिखने में लगता है. तो अभी बहुत ज़्यादा इसलिए मैं और इमोन मिल के कर रहे हैं क्योंकि अकेले कर करके एक इंसान ना टायर्ड ही हो जाएगा ना, तो इसलिए साथ साथ में ही कर रहे हैं. फिर बहुत जल्दी काम हो गया हमारा और ये हमारे 100 से भी ज़्यादा टिक्कियाँ जो है कबाब तैयार हो गए. फिर लास्ट वाली टिक्की बन रही है. फाइनली टिक्कियाँ शिक्कियाँ जो है ना वो बन गए हैं, काफ़ी बन गए हैं. 100 से ऊपर ना, कितना 100 समथिंग 2000 तक, ये झूठा नंबर 1. अभी जो है ना फ्राई कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं. और फ्राई के टाइम एक गलती ये हो गई कि मैं भूल गई थी कबाब अंडे में टिप करके बनाते हैं तो बिना अंडे के टिप किए हुए ऐसे टूट गया. फिर अचानक से याद आया, अरे अरे ये उल्टा करो चम्मच हाथ में है और अपने हाथ से कर रहे हो, ये कैसे इमोन इस चम्मच से करते. अभी जो है ना ये वाले कबाब मज़ेदार बन रहे हैं तो बाद में टेस्ट करेंगे इसको. और वो चूल्हा तो जल ही गया, धुआँ देखो. तो फ्रेंड्स मेरे बालों की हालत देखो, दिख रहा है ना काफ़ी हालत खराब. अभी शाम की चाय के साथ ये कबाब ट्राई कर रहे हैं, देखे बहुत मज़ेदार टेस्टी हुआ है ना. अच्छा हुआ है. अभी हम सब ये खा रहे हैं शाम का खाना. अच्छा है वो पीछे माँ खा रही है. आर्यन अभी माँ की टांग में ही हूँ, टांग के ऊपर. अभी सो रहा है देखो आर्यन, और हम इधर पार्टी कर रहे हैं, है ना सदिया. अच्छा हुआ है कबाब टेस्टी हुआ है. हेलो माँ, हेलो सुपर हो इसे.
तो यार कबाब तो बना है लेकिन हालत काफी खराब हो गई है, काफी कबाब हो गए, कबाब ही हालत हो गई है, थकावट हो गई है खतरनाक। और अभी जो है रात के बज रहे हैं 9:30 और जो मुझे प्रोजेक्ट में काम करना था वो भी नहीं कर पाई हूँ। चाय तो पी ली, खाना भी खा लिया, लेकिन ऐसा हो जाता है जब कुछ हाईली चीज बड़े अमाउंट में बना लेते हैं ना तो टायर्ड हो जाते हैं, फिर कोई और एक्स्ट्रा। और मसला ऐसा होता है कि आर्यन बस अभी 10 बजे और आर्यन 3 घंटा सो के उठा, अभी सोएगा ही नहीं, और आर्यन भी सारी रात सोएगा नहीं। असल में मैं और इमोन जो है ना, हम हमारे जो काम है मतलब यूट्यूब के अलावा जो हमारा काम है वो हम लैपटॉप्स में बैठ के करते हैं रात के टाइम, हमारे रात के टाइम ऑफिस खुलती है। लेकिन आजकल आर्यन जब मगरिब के बाद सो जाता है ना तो फिर वो रात को लेट ही सोता है। हाँ, तो अभी हम बस इसी बात पे वेट करते रहते हैं कि बच्चा बड़ा होगा तो और ज़्यादा सोएगा तो तब हम अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ता है ना डिज़ाइन का काम या एनिमेशन का काम, जो भी काम है तो नहीं कर पाते हैं कंसंट्रेशन के साथ। हाँ, बच्चा छोटा है ना अभी तो बहुत मुश्किल है देखना करना, सो रहा है पूरा टाइम देखना पड़ेगा, तो थोड़ा बड़ा हो तो काम करेंगे, थोड़ा बड़ा हो ऐसे ऐसे करके थोड़ा बड़ा हो टाइम मिलेगा काम करेंगे। और जैसे ही छोटू छोटू बड़ा हो गया है, जैसे ही छोटू छोटू बड़ा हुआ है तो और अभी क्या लगता है पता है, अभी लगता है थोड़ा और बड़ा हो फिर टाइम मिलेगा काम करने का। हम लोग ऊपर चले 3 घंटा हुआ है और एसी चल रहा है 6 घंटा हो रहा है, एसी में टेम्परेचर कितना दिखा रहा है 29, मतलब क्या होता है, मतलब नींद हो ही नहीं सकते, इतना गर्मी हो रहा है इधर, है ना सदिया? मानो ऑप्शन नहीं है कि तुम लोग नीचे सो सकते हो जिस रूम में हम बैठते हैं ना, ये फैन लगाना पड़ रहा है। अब बच्चे गर्मी में रो रहा है, उस गर्मी में भी रो रहा है ये। रोज रात को मुझे चमाटे खानी पड़ती है आर्यन। आज के व्लॉग करते हैं एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन खुदा हाफिज, बाय बाय, टाटा टाटा करो, टाटा 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 टाटी बोला।너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩할 고민이 생겼니 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 형제 진행형